हेलो बच्चों, माय सेल्फ डॉक्टर रूपाली वर्मा, योर जॉलजी मेंटोर। तो बेटा, पहले ये बताइए कैसे हैं आप सब, और सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैंने आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स भी देखे। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव एंड अफेक्शन। तो इसी जोश के साथ हम पढ़ते रहेंगे और अपना सिलेबस करेंगे। अब मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स देखे कि मैम सिलेबस टाइम पर हो जाएगा या नहीं होगा। बेटा देखो, जब एक सफ़र स्टार्ट किया है तो मंजिल तो आएगी ना, और ये हमारी गारंटी है कि मंजिल जो है बिल्कुल टाइम पर आएगी, इवन टाइम से पहले आएगी। तो सिलेबस कब ख़त्म होगा, कैसे होगा, वो सब हमारी टेंशन है। आपका काम है सिर्फ पढ़ना, मन लगा कर पढ़िए, ठीक है? ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है, इधर उधर नहीं भागना है, ठीक है? बस पढ़ते रहो, और इतना ही है। चलो अब लेक्चर देखते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था बेटा? लास्ट लेक्चर में हमने टेस्टिस के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस जो है कहाँ प्रेजेंट होती है, स्क्रोटम में प्रेजेंट है, ठीक है? पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, मींस राइट एंड लेफ्ट टेस्टिस है। टेस्टिस की हमने क्या की थी बाद में, उसकी कवरिंग्स की थी। थ्री कवरिंग्स मैंने आपको बताई थी। कौन सी थी? तो बिल्कुल आउटर मोस्ट है, दैट इज वेजेनेलिस। बीच वाली जो थी, मिडल वन जो थी, दैट इज एल्बुजीनिया। और जो इनर मोस्ट थी, दैट इज वेस्क्यूलोसा। मैंने आपको बताया था नाम वेस्क्यूलोसा क्यों है, क्योंकि वहां पर प्रेजेंट है वेस्क्यूलर टिश्यू, मीन्स बहुत सारे ब्लड वेसल्स, ठीक है? फिर हमने किया, जब हमने टेस्टिस को अंदर से देखा तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट थे, जिसको हमने बोला था टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। तो हमने क्या बोला बेटा? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बोला। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर, एक टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है एक से लेकर तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये हमने किया था, ठीक है? चलो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है अल्टीमेटली और थोड़ी सी पतली ट्यूब्यूल्स के अंदर ओपन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटे टेस्टिस, ठीक है? रेटे टेस्टिस से अराइज होती है वास इफ्रेंशिया। वास इफ्रेंशिया किस में ओपन होती थी बेटा? एपिडिडाइमस, याद करो, याद करो, ठीक है? एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से आपकी क्या स्टार्ट हो जाती थी? वास डेफरेंस। इतना हम कर चुके हैं, तो मैम आज क्या करेंगे? तो बेटा आज हम करने वाले हैं, आज का हमारा काम रहेगा, जो मैं आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बता रही थी, ठीक है, उसको उसका हम एक सेक्शन देखेंगे कि आखिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है उसके अंदर कौन से सेल्स प्रेजेंट है, और कौन से सेल्स हैं जो कि क्या बना रहे हैं, स्पर्म बनाते हैं। इतनी बात हो गई, ठीक है? फिर हम करेंगे असेसरी डक्ट्स। असेसरी डक्ट्स कुछ हम कर चुके हैं, लाइक वास डेफरेंस तक मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है? उसके बाद हमारी क्या थी बेटा? ग्लैंड्स थी। कौन सी वाली ग्लैंड थी? सेमाइनल वेसिकल थी, प्रोस्टेट ग्लैंड थी, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड थी। इसके बारे में पढ़ेंगे, सीमेन के बारे में पढ़ेंगे, साथ में एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज पेनिस के बारे में पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर है, आज का हमारा एजेंडा ये रहने वाला है। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ बेटा। हमने लास्ट लेक्चर में किया था वासा एफ्रेंशिया एंड वासा डेफरेंस, या वासा डिफरेंशिया कुछ भी कह लो, ठीक है? तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा जो है इसका इनका डिफरेंस एक्चुअली पता होना चाहिए। जैसे कि अगर हम वासा इफ्रेंशिया की बात करें, तो मैंने आपको बताया था वासा इफ्रेंशिया जो है वो कहाँ से अराइज होती है। अगर हम वासा इफ्रेंशिया की बात करें बेटा, तो वासा इफ्रेंशिया जो है कहाँ से अराइज होती है, दे अराइजेस फ्रॉम रेटे टेस्टिस। कहाँ से अराइज होती है बेटा? तो आप इसमें लिख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, दे अराइजेस फ्रॉम रेटे टेस्टिस। बेटा अपना जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसके नोट्स ओपन करिए, साथ में उसको खोल लो, ठीक है? और उसमें देखो कि हमने जो पूरा डायग्राम बहुत प्यारा सा बनाया था, उसमें रेटे टेस्टिस कहाँ है, वासा इफ्रेंशिया कहाँ है, एपिडिडाइमस कहाँ है, और वास डिफरेंस कहाँ है, फटाफट देखो, ठीक है? तो वासा इफ्रेंशिया जो है कहाँ से अराइज होती है, दे अराइजेस फ्रॉम रेटे टेस्टिस। ऐसे ही अगर हम वास डिफरेंस की बात करें, तो दे अराइजेस फ्रॉम एपिडिडाइमस। अब एपिडिडाइमस के मैंने आपको तीन पार्ट्स बताए थे। एक तो था हेड वाला पार्ट, जिसको हम कहते थे कैपिट, कहते थे, बीच वाला पार्ट जो कि थी बॉडी, और जो एंड वाला पार्ट था दैट वाज कोडा। क्या था? कोडा एपिडिडाइमस। तो जो वो कोडा एपिडिडाइमस था, वहां से अराइज करता था
वास्ट डिफरेंस, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं बेटा, अराइजेस फ्रॉम, अराइजेस फ्रॉम एपिडिडाइमिस। कहां से अराइज होते हैं बेटा, अराइजेस फ्रॉम एपिडिडाइमिस। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन से एपिडिडाइमिस, इन केस अगर ऑप्शन में हो तीनों एपिडिडाइमिस के नाम लिखे हो, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लिखवा दिया था वास डिफरेंस अराइजेस फ्रॉम कोडा एपिडिडाइमिस। क्लियर है इतनी बात। चलो अगर हम मैं इनके अब नंबर की बात करूं, नंबर तो ये कितना होता है बेटा 15 to 20। ठीक है, पतली पतली सी ट्यूब होती है, कितनी होती है 15 to 20 होती है। वैसे ही जो वास डिफरेंस होती है दे आर जस्ट टू इन नंबर, टू इन नंबर मींस एक राइट टेस्टिस से अराइज कर रही है, एक लेफ्ट टेस्टिस से अराइज कर रही है, जस्ट टू, याद रखेंगे ये बात हम। ठीक है, उसके बाद ये कैसी होती है, बिल्कुल पतली पतली सी होती है। ठीक है, ये कैसी है बेटा, थिन ट्यूब्यूल्स हैं, ये स्लाइटली क्या होती हैं, थिक। समझ आ रही है, थिन मतलब कि 15 और 15, 20 हैं, तो ऐसे पतली पतली सी हैं। ठीक है, और ये कैसी हैं, दो ही हैं, एक इधर से जा रही है ऊपर, एक इधर से जा रही है, थिक है। क्लियर है इतनी बात। आज दोबारा से हम बनाएंगे इसको वास रेफरेंस को। चलो अब इनका काम क्या है बेटा, काम सिंपल सा है, इन्होंने ट्रांसपोर्ट करना है स्पर्म्स को, इन्होंने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है स्पर्म्स को। तो रेटे वासा इफ्रेंशिया जो है स्पर्म को कहाँ से ट्रांसपोर्ट करता है, इट ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स फ्रॉम रेटे टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। डायग्राम देखो फटाफट से, वासा इफ्रेंशिया जो है स्पर्म को कहाँ से कहाँ लेके जाएगी, वासा इफ्रेंशिया से पहले क्या है, रेटे टेस्टिस है, फिर वासा इफ्रेंशिया आ रही है, फिर क्या आता है, एपिडिडाइमिस आता है। सो दे, आप लिख सकते हो इसमें, दे ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स, दे ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स फ्रॉम रेटे टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, रेटे टेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक। ठीक है, ऐसे ही वास डिफरेंस जो है स्टार्ट कहां से होती है बेटा, एपिडिडाइमिस से। ठीक है जी, लेकर कहां जाती है, इजेक्यूलेटरी डक्ट तक। ठीक है, सो आप यहां लिखेंगे बेटा, दे ट्रांसपोर्ट स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, भी आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे तब हम वो टर्म यूज करेंगे, अभी आप स्पर्म्स लिखिए, ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू इजेक्यूलेटरी डक्ट। अब इजेक्यूलेटरी डक्ट क्या है मैम, ये तो बताया नहीं आपने, अभी आज हम बताएंगे, बहुत अच्छे से डायग्राम बनाएंगे तब आपको पता लग जाएगा। अभी आप याद रखेंगे वास डिफरेंस जो है स्पर्म को लेके जाते हैं कहाँ से, एपिडिडाइमिस से कहाँ तक, इजेक्यूलेटरी डक्ट तक, इतनी बात याद रखेंगे बेटा। चलो अब हम बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आज का जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो अब हम बात करें बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, उस एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। अब हम क्या करते हैं, एक इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ले लेते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, और देखते हैं कि आखिर वहां पर ऐसे कौन से सेल्स हैं। तो चलो एक फटाफट से बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाते हैं। बेटा ये डायग्राम आप प्लीज़ साथ साथ बना लेना, क्योंकि अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में डायग्राम है बट इतना क्लियर नहीं है। ठीक है,
तो बेटा अगर आप देखोगे तो हमने क्या लिया, एक इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया, किसका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, और फिर हमने देखा कि कुछ हमें सेल्स दिखाई दे रहे हैं। अब आपको यहाँ पर दो टाइप के सेल दिखाई दे रहे होंगे, कौन से, एक तो ये व्हाइट कलर वाले और एक जिसको मैम ने थोड़ा सा पिंक कर दिया है और थोड़ा सा लंबा कर दिया है, ठीक है। तो अगर हम अब इसकी लेबलिंग करें, अगर हम इसकी बेटा लेबलिंग करें, ठीक है, तो ये जो व्हाइट वाले सेल्स हैं, ये वाले जो व्हाइट वाले सेल्स है बेटा, इसे बोला जाता है मेल जर्म सेल्स, ठीक है। क्या बोला जाएगा बेटा, मेल जर्म सेल्स, या आप इन्हें बोल सकते हैं स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। तो ये जो व्हाइट वाले सेल हैं इसको हम बोलेंगे क्या, मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स और स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। क्या बोलेंगे बेटा, मेल जर्म सेल्स और स्पर्मेटोगोनियम। अब आपको याद रखनी है एक चीज कि ये जो मेल जर्म सेल्स हैं, ये जो मेल जर्म सेल्स हैं अभी क्या हैं बेटा, ये डिप्लॉयड हैं, दे आर टू एन, क्या है ये, डिप्लॉयड हैं, टू एन है। इसके अंदर होगी मियोसिस, इनके अंदर क्या होगी, मियोसिस, ठीक है। जैसे ही मियोसिस होगी ये हो जाएंगे हैप्लॉयड और क्या बन जाएगा वहां पर, स्पर्म बन जाएगा। सिंपल सी बात है, स्पर्म बनाने के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल है वो कहाँ प्रेजेंट है, सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में है, और सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स में उन सेल्स का नाम क्या है, हम उन्हें कहते हैं मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनियम। क्लियर है, क्लियर है ये बात, इतनी बात हमें याद रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मेल जर्म सेल्स ये कैसे होते हैं बेटा, टू एन डिप्लॉयड, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। इसमें हम लिख सकते हैं दे अंडरगो म्योटिक डिवीजन, इनके पास क्या होती है, इसके अंदर क्या होती है, इनके अंदर म्योटिक डिवीजन होती है, और ये क्या बना देते हैं बेटा, दे फॉर्म स्पर्म्स, फॉर्म स्पर्म्स। देखो बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब भी हम बायो की बात करते हैं तो बायो में एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो मैं आपको लेक्चर करवा रही हूँ पूरा का पूरा एनसीईआरटी की, हम एक एक वर्ड एक एक लाइन पूरी कवर करने वाले हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आपको ये टेंशन हो कि यार मैम ने एनसीईआरटी नहीं करवाया, ऐसा कुछ नहीं है, हम पूरी एनसीईआरटी करें, आपका काम जस्ट ये है आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, सब क्लियर। जो भी कुछ एक्स्ट्रा बताना होगा वो मैं यहाँ पर आपको सब बता दूंगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं, बट जितनी नीड है हमें उतना, ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या किया बेटा, मेल जर्म सेल्स जिनको स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं, उनके अंदर मियोसिस होती है, मियोसिस होने से क्या बन जाते हैं, स्पर्म बन जाते हैं, ठीक है। क्या बन जाते हैं, स्पर्म बन जाते हैं। उसके बाद जो ये हमारे टॉल स्लेंडर से सेल्स हैं, हल्के हल्के लंबे सेल हैं, इनको बोला जाता है सर्टोली सेल्स, ठीक है। ये वाले जो सेल हैं बेटा, ये पिंक वाले, इनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स, या इनको आप बोल सकते हो नर्स सेल्स, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं बेटा सर्टोली सेल्स, या इनको हम बोलते हैं नर्स सेल्स, इतनी बात याद रहेगी, सर्टोली और वी कैन से देम नर्स सेल। चलो इतनी बात तो हो गई। अब अगर आप इसमें बीच में देखोगे, ऐसा तो है नहीं कि बीच में कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो ये वाला जो सारा स्पेस है जो मैंने अभी डॉटेड किया है, दिस इज इंटरस्टीशियल स्पेस, या इंटरस्टीशियल टिश्यू कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। अब जो ये इंटरस्टीशियल स्पेस है, यहां पर आपको एक और टाइप के सेल देखने को मिलेंगे जिसे हम कहते हैं लेडिक सेल्स। बीच बीच में कहीं कहीं पर ठीक है बेटा, तो इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्या,
या एक काम करिए, इसको ऊपर लिखेंगे, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स भी ऊपर ही लिख देंगे हम। ठीक है बेटा, तो ये वाले जो सेल हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं डेडिग सेल या इंटरस्टीशियल सेल्स। या तो लेडिग सेल्स कहेंगे या इन्हें बोलते हैं इंटरस्टीशियल सेल्स। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है? इस इंटरस्टीशियल स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है बेटा? इंटरस्टीशियल स्पेस में प्रेजेंट है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है दे सिक्रीट टेस्टिक्यूलर हॉर्मोन। ये एक हॉर्मोन सिक्रीट करते हैं जिसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, दे सिक्रीट टेस्टिक्यूलर हॉर्मोन। और वो टेस्टिक्यूलर हॉर्मोन का नाम क्या है बेटा? मींस दे सिक्रीट एंड्रोजन्स। दे सिक्रीट एंड्रोजन्स। अब एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन का मतलब होता है कि एक कॉम्प्लेक्स ऑफ हॉर्मोन, उसमें काफी सारे हॉर्मोन होते हैं, बट जो हमारे काम का होता है, जिसे हम पढ़ते हैं, दैट इज टेस्टोस्टिरोन, जो कि क्या होता है बेटा? टेस्टोस्टिरोन। टेस्टोस्टिरोन क्या है? इट इज द मेल सेक्स हॉर्मोन। सब पॉइंट्स हम लिख देते हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? एक तो एक सेल हमने पढ़े, कौन से वाले? मेल जर्म सेल्स। दूसरे हमने पढ़े हैं सर्टोली सेल्स या नर्व सेल। इसका फंक्शन हम आगे लिखने वाले हैं। उसके बाद जो इंटरस्टीशियल स्पेस है, यहाँ पर भी कुछ सेल्स प्रेजेंट है जिन्हें बोला जाता है लेडिग सेल्स या इंटरस्टीशियल सेल्स। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है दे सिक्रीट टेस्टिक्यूलर हॉर्मोन्स मीन्स एंड्रोजन। और एंड्रोजन कौन से वाला बेटा? टेस्टोस्टिरोन। कौन से वाला? टेस्टोस्टिरोन। और ये टेस्टोस्टिरोन क्या है? बेसिकली दिस इज द मेल सेक्स हॉर्मोन। मेल्स के अंदर जो भी सेकेंडरी करेक्टर्स आते हैं लाइक बियर्ड, मुस्टैच, वो किसकी वजह से आते हैं? इस हॉर्मोन की वजह से आते हैं। और ये हॉर्मोन जो है, ये स्पर्म की फॉर्मेशन के अंदर भी हेल्प करता है। क्लियर हो गई इतनी बात? क्लियर है? ठीक है, तो हमने ये सेल्स की, उसके अलावा इस इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर जो है बेसिकली क्या प्रेजेंट होगी बेटा? ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। वो तो होनी ही है, ब्लड वेसल तो होंगी ना, ब्लड वेसल्स होंगी। इसके अलावा बीच बीच में यहां पर प्रेजेंट होते हैं कुछ इस टाइप से, कुछ सेल्स होंगे जिनको हम कह देते हैं इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। जो हल्के से मैंने ब्लू और कर दिए बेटा बड़े, ठीक है, इन्हें हम क्या कह सकते हैं? इन्हें हम कह सकते हैं दे आर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। अब इनका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल है, कुछ भी आ जाए, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम क्या किसका होगा? इन इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स का काम होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन लिया और देखा कि आखिर हमें उसमें दिखता क्या है, कौन से सेल्स प्रेजेंट है। तो आई थिंक आपको सबको अच्छे से क्लियर होगा, हो गया होगा बेटा क्या, कि एक तो मेल जर्म सेल्स हैं, ठीक है, उसके अलावा कौन से सेल हैं? सर्टोली सेल्स हैं। ठीक है, बीच में जो इंटरस्टीशियल फ्लूइड है, यहाँ पर प्रेजेंट है लेडिग सेल्स या जिसे कहोगे इंटरस्टीशियल सेल्स। उनका काम क्या है? टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करना। उसके अलावा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी, और उसके अलावा एक और सेल्स, दैट इज इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, जो कि फॉरन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करने के अंदर आपकी हेल्प करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है? इतना सबको क्लियर आई होप हो गया होगा। कुछ ज़्यादा बड़ी बात थी नहीं, बहुत ही इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो हम इसका काम लिख चुके, इसका भी लिख चुके बेटा। अब सर्टोली सेल, ये जो लॉन्ग सिलेंडर टाइप सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स या जिसे हम कहते हैं नर्व सेल्स, इनका फंक्शन भी लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? सर्टोली सेल्स, या इनको हम कहते हैं नर्व सेल्स
एक और नाम है इनका, क्या? सस्टेंटेक्यूलर, ठीक है ठीक है। तो इसके हमने तीन नाम लिख दिए बेटा, कौन से कौन से? सर्टोली सेल, नर्स सेल्स एंड सस्टेंटेक्यूलर सेल्स। सर्टोली, नर्स एंड सस्टेंटेक्यूलर सेल्स, ठीक है। अब सबसे पहली बात, इनका काम क्या होता है? दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल्स। जो हमने पीछे मेल जर्म सेल्स के, जो हमने आपको बोला जिसको स्पर्मेटोगोनियम भी कहते हैं, जहाँ से स्पर्म बनने वाले हैं बेटा, अब वो कुछ चीज़ बनाने वाले हैं, तो ऑफकोर्स उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो आप क्या बोलेंगे? दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल्स, ठीक है। क्या लिखेंगे हम इनको? फर्स्ट इनका फंक्शन क्या होगा? दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू मेल जर्म सेल्स, ठीक है। दूसरा इनका काम होता है, दे सिक्रीट एबीपी, दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है बेटा। तो ये जो सर्टोली सेल्स हैं, ये क्या सीक्रेट कर रहे हैं? दे सीक्रेट एबीपी, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इनका काम क्या होता है? इस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या है बेटा? दे कंसंट्रेट द टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करते हैं? जो टेस्टोस्टेरोन, जिसको कौन रिलीज कर रहा था? लेडिक सेल्स रिलीज कर रहे थे, उनको क्या करते हैं बेटा? उनको कंसंट्रेट करते हैं, या आप कह सकते हो कि इनको एक्टिवेट करते हैं। बेसिकली ये आप कह लो कि उनको कंसंट्रेट करते हैं, या यूं कह लो कि उनको एक्टिवेट करते हैं, ताकि जो उनका काम है आगे वो उसको कर पाए, ठीक है। सो दिस इज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। काम क्या है? टू कंसंट्रेट द टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो कि किसने सिक्रीट किया था? लेडिक सेल्स ने। एबीपी किसने सिक्रीट किया है? सर्टोली सेल्स ने सिक्रीट किया है। अब इसका थर्ड फंक्शन एक और लिख लेते हैं हम, दे सिक्रीट एबीपी, ठीक है। उसके अलावा हम क्या बोलेंगे? दे सप्रेसिस द एफएसएच सिक्रीशन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन। कौन सीक्रेट करता है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन? फटाफट बता दो जरा, ये आपका होमवर्क है। फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो है, कौन सीक्रेट करता है? हाँ, होमवर्क से याद आई है, मैंने आपको शायद फर्स्ट लेक्चर में बोला था बेटा, मैं आपको नेक्स्ट में बताना भूल गई थी। फॉलिकल क्या बोल रही थी, हाँ होमवर्क। तो मैंने आपसे शायद पूछा था कि एग लेइंग मैमल्स कौन से होते हैं, तो मैंने आंसर देख लिया था। वेरी गुड बेटा, सबका आंसर ठीक था। तो एग लेइंग मैमल्स में हम इंक्लूड कर देते हैं बेटा मोनोट्रीम्स, ठीक है। मोनोट्रीम्स के अंदर आप क्या इंक्लूड करते हैं? एग बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है। उसके बाद कौन से वाला होता है? एक्टिनिया, ठीक है। ये सब हम करने आपने शायद किया, हम सब नहीं, आपने शायद किया होगा एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक है। तो एग लेइंग मैमल्स के अंदर आप कौन सा पढ़ते होते हैं? एक तो डक बिल्ड प्लेटिपस पढ़ते हैं, प्लेटिपस आप नॉर्मल कह लो प्लेटिपस, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं एक्डीनिया। ये दोनों ही किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? मोनोट्रीम्स के अंदर, ठीक है। जो एक्डीनिया है, बेसिकली इसकी चार टाइप्स होती हैं, लॉन्ग बीक, शॉर्ट बीक, ऐसे कुछ टाइप होती है, ठीक है। तो आप समझ आ गया आपको, एग लेइंग मैमल्स कौन से हैं? मोनोट्रीम्स, जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस एंड एक्डीनिया, क्लियर? ओके, तो अभी आपका होमवर्क क्या है? आप मुझे बताएंगे कि FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, को कौन सिक्रीट करता है? वो कौन सिक्रीट करता है, ठीक है। अगर हम इसकी सर्टोली सेल्स की बात करें, तो ये क्या करते हैं? ये एक सिक्रीट इनहिबिन्स, क्या सीक्रेट करते हैं बेटा? इनहिबिन सीक्रेट करते हैं। और इस इनहिबिन का काम क्या होता है? इनहिबिन का काम होता है, दे इनहिबिट, नाम से ही क्लियर है, इनहिबिन का काम होता है दे इनहिबिट द एफएसएच सिंथेसिस, या सीक्रेशन, इनहिबिट्स द एफएसएच सीक्रेशन। तो FSH है, उसकी सिक्रीशन को इनहिबिट करने का काम होता है इनहिबिन्स का। और ये इनहिबिन्स जो है, कौन रिलीज करते हैं? सर्टोली सेल्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, क्लियर है?
क्लियर है ये बात? फटाफट बिल्कुल अटेंटिव होकर सुनना है, किसी ने इधर उधर ध्यान नहीं देना, नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, ठीक है? ये मान लोगे एडवाइस तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, नहीं तो फिर क्या कर सकते, ठीक है? क्लियर बेटा इतनी बात? ठीक है, तो हमने अभी क्या किया, हमने बेसिकली अब टेस्ट इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कर दिया, उसकी सारी डक्ट्स देख ली, सब कुछ कर लिया, ठीक है? अब हमारा काम क्या रह गया है, अब हमारा काम रह गया है, हमें ये देखना है जो हमारी एसेसरी डक्ट्स थी या फिर एसेसरी ग्लैंड्स थी, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया था, उन सबको देखना है। उससे पहले हम बना लेते हैं एक डायग्राम कि आखिर सब एक दूसरे से अटैच है कैसे, ठीक है? तो चलिए डायग्राम बनाते हैं, बहुत बढ़िया सा कोशिश करते हैं बेसिकली बढ़िया बनाने की। तो बेटा साथ साथ में बना लेना डायग्राम। तो ये हमने क्या बनाया बेटा, दिस इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है? क्या है ये, दिस इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज पेनिस।
बेटा एक बार बना लो, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या बनाया बेटा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज द पेनिस ऑफ मैन। ठीक है, ऊपर ये जो व्हाइट कलर का पोर्शन दिख रहा है ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अभी हम साइड साथ में इस साइड क्या बनाते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस की शेप कैसी बताई थी मैंने आपको? टेस्टिस की शेप होती है ओवल। टेस्टिस की शेप कैसी थी बेटा? ओवल। ठीक है, और कुछ ऐसे लोब्यूलेटेड टाइप्स जो है वो क्या होती है? एपिडिडाइमस। ठीक है, ये क्या है? दिस इज एपिडिडाइमस। और एपिडाइमस से क्या अराइज होती है? एपिडिडाइमस से अराइज होती है वास डेफरेंस। एपिडाइमस से क्या अराइज होती है बेटा? वास डेफरेंस। इतनी बात क्लियर है सबको? साथ साथ में बना लेना डायग्राम, बनाओगे तो इजी रहेगा, चाहे आपके 12th बोर्ड हो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको बनाने की कोशिश करो जरा। ठीक है, और ये एपिडाइमस का हो गया आपका कोडल एंड, जहां से अराइज होने वाली है क्या? वास डेफरेंस। जहां से क्या अराइज होगी बेटा? वास डेफरेंस अराइज होगी। तो दिस इज द वास डेफरेंस। ये वास डेफरेंस नीचे आई। ठीक है, तो अब चलो, अब इसकी वो नेमिंग करते हैं हम। अब इसकी हम नेमिंग करते हैं। सबसे पहले अगर हम इधर से स्टार्ट करें तो हमने ये बीच में क्या बनाई है? दिस इज टेस्टिस। ठीक है, इसको लिख देते हैं यहाँ पर। ये क्या है बेटा? दिस इज टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस ऑफ कोर्स किसके अंदर प्रेजेंट होती है? पाउच के अंदर। और इस पाउच को क्या बोला जाता है? स्क्रोटम। पाउच को क्या बोला जाएगा बेटा? स्क्रोटम। अब स्क्रोटम जो है वो किससे आगे की तरफ, किससे बढ़ा हुआ मिलता है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज इनग्वाइनल कैनाल। याद आ रहा है स्क्रोटम के ऊपर क्या आती है? इनग्वाइनल कैनाल, जहां से ऊपर की तरफ जाती है वास डेफरेंस। ठीक है, तो ये वाली जो डक्ट है, दिस इज वास डेफरेंस। वास डेफरेंस याद रखना, जो मैंने स्ट्रक्चर इस साइड बनाया है सेम स्ट्रक्चर बेटा इस साइड होगा, बट हम एक ही साइड का अभी लेकर चल रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज वास डेफरेंस, ये हो गया। ये पिंक वाली क्या है? दिस इज एपिडिडाइमस, ये हमें ऑलरेडी पता है। दिस इज एपिडिडाइमस, ये क्या है? एपिडिडाइमस है। दिस इज ओवल टेस्टिस, स्क्रोटम, इनग्वाइनल कैनाल एंड वास डेफरेंस। उसके बाद ये जो मैंने हल्का सा लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर बनाया है, इसे बोला जाता है बेटा, दिस इज सेमाइनल वेसिकल। अगर आपको याद हो तो हमने जो असेसरी डक्ट्स की थी उसमें मैंने आपको असेसरी ग्लैंड की थी उसमें मैंने आपको तीन ग्लैंड बताई थी। कौन सी याद करो? सेमाइनल वेसिकल थी, बिल्कुल थी, जो हमने यहां लिख दी। फिर हमने आपको बताई थी प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सी बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये जो पिंक वाला स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर उसके अलावा एक और बताई थी, कौन सी वाली? बल्बो यूरिथ्रल, या आप जिसे कहते हो कॉपर्स ग्लैंड। तो ये वाली क्या है, जो ये ऑरेंज कलर की छोटी छोटी सी बनाई है? दिस इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इसे क्या बोलेंगे बेटा? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोलेंगे। चलिए जी, ठीक है। अब ये ऊपर वाला क्या है? दिस इज यूरिनरी ब्लैडर।
यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। ये जो वास डेफरेंस है ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इट लूप्स अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं, इट लूप्स अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर, कि जब ये स्क्रोटम से पेट के अंदर आता है, एब्डोमन के अंदर जब एंट्री करता है, देन इट लूप्स अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कि जो वास डेफरेंस है लूप्स अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर। वास डेफरेंस जो है, इट लूप्स अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर। अब सिंपल सी बात है बेटा, ये वास यूरिनरी ब्लैडर है तो इसमें होगा यूरिन होगा, ठीक है। यहां से हमारा ये जो वास डेफरेंस है, ये क्या लेके जा रहा है, स्पर्म लेकर जा रहा है, ठीक है। तो ये वास डेफरेंस गया 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 यहां पर आया, इसे हम क्या कहते थे, सेमाइनल वेसिकल। ये येलो वाली क्या है, सेमाइनल वेसिकल की ट्यूब है, ठीक है। अब सेमाइनल वेसिकल की ट्यूब और ये वास डेफरेंस जो है, दोनों के दोनों क्या कर गए, ज्वाइन कर गए, यूनाइट कर गए, और इन्होंने एक अलग ही ट्यूब्यूल बना ली, ये ब्लू वाली, जिसे हम कहते हैं इजेक्यूलेटरी डक्ट। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, इजेक्यूलेटरी डक्ट, इसे हम यहीं पर लिख देंगे। इस ब्लू वाली को हम क्या कहते हैं बेटा, इजेक्यूलेटरी। अभी हम इसको बाद में लिख लेंगे अलग से पॉइंट, बट आपको याद रखनी है, इजेक्यूलेटरी डक्ट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ टू ट्यूब्यूल्स, वन इज वास डेफरेंस एंड अनदर इज दिस सेमाइनल वेसिकल। मींस ये सेमाइनल वेसिकल की येलो वाली ट्यूब, वास डेफरेंस की ये ब्लू वाली ट्यूब, दोनों ने मिलके एक लाइट सी ब्लू कलर की ट्यूब बना दी, जिसे हम कहते हैं इजेक्यूलेटरी डक्ट। अब आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो वास डेफरेंस है, इट ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स फ्रॉम दिस एपिडिडाइमस, एपिडाइमस से ले जाकर वो किसको दे देती हैं, इजेक्यूलेटरी डक्ट को दे सकती हैं। क्लियर होगी ये बात, जो हमने पीछे पॉइंट लिखा था, आई होप सबको क्लियर होगा बेटा, क्लियर। चलो देखो, जितने जोश से मैम पढ़ाती है ना, उतने जोश में रहकर ही लेक्चर देखना है, थोड़ा सा इंजॉय करना है, ऐसे दुखी नहीं होना प्लीज़, ठीक है, बिल्कुल किसी को दुखी नहीं होना। ये हो गया, ठीक है, सॉरी, ठीक है। चलो, अब यूरिनरी ब्लैडर से ये जो बीच में येलो कलर की ट्यूब जा रही है बेटा, इसे बोला जाता है यूरिथ्रा, ठीक है। इस ट्यूब को बोला जाता है यूरिथ्रा, या यूं कह लो डक्ट, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो होती है, ये क्या होती है, ये कॉमन पैसेज होता है। यूरिथ्रा जो है बेटा, कॉमन पैसेज होता है किसका, देखो यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन होगा, काम उसका वही है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन आएगा, और ये देखो ये सारी डक्ट्स जो हैं वो कहाँ ओपन होती हैं, अल्टीमेटली यूरिथ्रा में। मींस चाहे ये सेमाइनल वेसिकल हो, चाहे ये वास डेफरेंस हो, चाहे ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो, चाहे ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड हो, इन सब की सिक्रीशंस जो हैं अल्टीमेटली कहाँ आने वाली हैं, इस यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा के अंदर और क्या आने वाला है, ऊपर से यूरिन आने वाला है। सो यूरिथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमेन। सीमेन क्या है बेटा, सीमेन देखो समझ लो एक बार, ये यहाँ से स्पर्म आ रहे हैं, स्पर्म हो गए, ये जो ग्लैंड्स हैं इनकी कुछ सिक्रीशंस होती हैं, वो स्पर्म और इनकी सिक्रीशन को मिला दो, सीमेन है। क्लियर है बात, ओके, क्लियर, डन, ठीक है, क्लियर है, सब सेट है, पक्का। चलो चलो, अब इस ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जिसे क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। अगर आप एक चीज देखो बेटा, जो ये पेनिस है, इसके जो नीचे वाला पोर्शन है, ये हल्का सा क्या है, देखो ऊपर ऐसा था सीधा, नीचे वाला पोर्शन हल्का सा क्या हो गया है, एनलार्ज्ड हो गया है। नीचे वाला पोर्शन जो है, ये हल्का सा क्या, इसको और एनलार्ज कर देते हैं थोड़ा सा, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जो पेनिस का जो नीचे वाला पोर्शन होता है बेटा, ये हल्का सा एनलार्ज होता है, ये यूं कह लो थोड़ा स्वोलन सा दिखता है, ठीक है। तो इस स्वोलन पार्ट को कहा जाता है ग्लैंड्स पेनिस, ठीक है। ये जो स्वोलन पार्ट है, इसे बोला जाता है ग्लैंड्स पेनिस। इस स्वोलन पार्ट को बोला जाता है बेटा ग्लैंड्स पेनिस,
और इस ग्लैंड पेनिस के अराउंड जो स्किन होती है, क्या होती है, स्किन बहुत ही ज्यादा लूज होती है, ठीक है। ये जो ग्लैंड पेनिस है यहाँ पर कुछ ऐसे लूज फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट है, ये हम लिखेंगे अभी, बस यहाँ पे आप एक बार कर लीजिए। ये जो स्किन तो पूरी जगह ही है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, जो नीचे वाली स्किन है बेटा वो काफी ज्यादा थोड़ी लूज सी होती है, जिसे हम कहते हैं लूज फोल्ड ऑफ स्किन सराउंडिंग दिस ग्लैंड पेनिस। जो ये स्वोलन पार्ट है इसके अराउंड लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है, जिसे कहा जाता है फोर स्किन, ठीक है। यहीं लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, ग्लैंड पेनिस इज द लास्ट स्वोलन पार्ट या एनलार्ज्ड पार्ट ऑफ द पेनिस, और उसके अराउंड क्या होती है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन होती है, जिसे कहा जाता है फोर स्किन, जिसे क्या कहा जाता है बेटा, फोर स्किन कहा जाता है। आई थिंक इतना सबको क्लियर होगा, ठीक है। उसके अलावा अब ये जो ओपनिंग दिख रही है आपको, ये ओपनिंग, इस ओपनिंग को कहा जाता है यूरिथ्रल मिएटस। इस ओपनिंग को क्या कहा जाता है, यूरिथ्रल मिएटस। दिस ओपनिंग इज नोन एज, यूरिथ्रल मिएटस, या आप कह सकते हो यूरोजेनाइटल ओपनिंग, यूरोजेनाइटल ओपनिंग, और यू कैन से यूरिथ्रल मिएटस। क्लियर है बेटा ये डायग्राम, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही कलरफुल सा डायग्राम है, क्योंकि जब आप बुक में देखते हैं थोड़ा सा खचपच सा लगता है, बट यहाँ बहुत क्लियर है, ठीक है। हमने यहाँ पर जो टेस्टिस है आपकी बुक के अंदर जो है, रेटे टेस्टिस वगैरह सब वहीं पे दिखा दिया, बट हमने उसका अलग से डायग्राम बना लिया, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है ये डायग्राम, ठीक है। इतना ही इसके अंदर अभी हमें लिखना है, इसके अलावा जो भी पॉइंट्स हैं वो मैं आपको अलग पेज पर लिखवा देती हूँ अभी, अलग स्लाइड पर, ठीक है। बट उससे पहले हम यह सेम डायग्राम हम देखेंगे हमारी बुक के अंदर। देखो बेटा सेम डायग्राम है, हमने क्या किया, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, यूरिथ्रा हमने बताया, टेस्टिस हमने बताई, फोरस्क्रीन बताई, ठीक है, ग्लैंड पेनिस बताया, फिर एपिडिडाइमस हमने बताया, ये हम सब कुछ कर चुके हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल, वास डेफरेंस, और ऊपर से यूरेटर आते हैं जो यूरिनरी ब्लैडर को यूरिन सप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर अब हम इसी चीज को, या जो हमने डायग्राम बनाया है इसको हम साइड व्यू से देखें, इसे अगर हम बेटा साइड व्यू से देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। इसको भी देख लो, दोनों में से एक कर लोगे, वेल एंड गुड, ठीक है। देखो ये जो येलो वाला पार्ट है ये, ठीक है, उसी को हमने ऐसे साइड में कर दिया, टेढ़ा करके देख दिया, तो हम एक साइड ही दिखेगी, सिंपल, ठीक है। तो जो ये टेढ़ा कर दिया, ये येलो वाला इज, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर है, नीचे है टेस्टिस, टेस्टिस किसके अंदर है, दिस इज स्किन, जो कलर दिखाया है, स्क्रोटम, ठीक है। टेस्टिस के पास क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है बेटा, दिस इज एपिडिडाइमस, ठीक है। एपिडिडाइमस से अराइज हो रही है वास डेफरेंस, वास डेफरेंस विल लूप अराउंड, ये देखना है यहाँ पर, यहाँ पे अच्छे से दिखता है, देखो वास डेफरेंस ये गई है, इट लूप्स अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। उसमें देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है उसके अंदर ही आ गई, अंदर नहीं है, ऐसे लूप्स अराउंड, ठीक है, ठीक है, इट लूप्स अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर आपके पास क्या प्रेजेंट है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज, इसको क्या कहते हैं बेटा, सेमाइनल वेसिकल, चलो ठीक है जी। अब सेमाइनल वेसिकल से जो है आगे की तरफ क्या आएगी, डक्ट आएगी, जो कि क्या, पहले वास डेफरेंस वाली और सेमाइनल वेसिकल वाली डक्ट जो यहाँ पर कंबाइन हो जाएगी, ठीक है, और ये ओपन हो जाती है किस में बेटा, यूरिथ्रा में, और इसे ही कहा जाता है इजेक्यूलेटरी डक्ट। इसे क्या कहा जाता है, इजेक्यूलेटरी डक्ट कहा जाता है, और ये यहाँ से होते हुए, पेनिस से होते हुए यूरिथ्रल मेटस के थ्रू बाहर, ठीक है। पीछे की तरफ अगर हम देखेंगे तो दिस इज रेक्टम, रेक्टम आपको याद होगा, अगर जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका जो लास्ट पार्ट होता है उसे बोला जाता है रेक्टम, याद है बेटा, ठीक है, वो है रेक्टम। अब रेक्टम जो है अल्टीमेटली किस में होता, ओपन होता है, एनस में, यहाँ से क्या होगा, फिकल डिस्चार्ज होगा, क्या होगा, फिकल डिस्चार्ज। अब रेक्टम में कंफ्यूज ना हो जाना, रेक्टम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन वाला, ध्यान रखो, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, रेक्टम, सिग्मोइड कोलोन, फिर आता है रेक्टम, याद आ गया, वही है, ठीक है, ये वो वाला पार्ट है। डायग्राम क्लियर है सबको,
ऑल क्लियर, ऑल सेट इन योर माइंड। चलो देखो यहाँ पे क्या दिख रही है, उसके अलावा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दिख रही है छोटी सी, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रही है, ये जो पिंक वाली बड़ी सी है डोनट शेप की जो ग्लैंड है उसे क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। आई होप सबको क्लियर है इतनी बात। चलो तो ये डायग्राम हमने बनाया है जो कि आपको बहुत अच्छे से और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो मैं आपको बता रही थी ना, इजैक्यूलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले इजैक्यूलेटरी डक्ट का लिखते हैं, इस पर क्वेश्चन आ जाता है, अगर हम इजेक्यूलेटरी डक्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया था ये दो डक्ट्स के कंबाइन होने से बनती है, किस किस के, वास डेफरेंस के एंड अ डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल, ठीक है, वास डेफरेंस एंड द डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल। वैसे अगर इजेक्यूलेटरी डक्ट को देखें तो ये कितनी हो जाएंगी, टू शॉर्ट ट्यूब्यूल्स। अब एम टू क्यों लिख दिया, एक ही थी, देखो फिर एक थी, तो ये बेटा एक इजेक्यूलेटरी डक्ट यहां पर है। मैंने क्या बताया आपको, सेम ही चीज, ऐसे सेम ही चीज जो है इधर से भी आने वाली है, ये जो तुमने बनाया है इधर, इधर भी तो सेम ही है, हमने तो बनाया नहीं है, ठीक है, हमने तो अपना टाइम बचा लिया, बट है वहां पर भी वही, ठीक है। तो एक इजेक्यूलेटरी डक्ट ये है, एक ये है, तो कितनी हुई टोटल, दो इजेक्यूलेटरी डक्ट हुई, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, दे आर टू शॉर्ट ट्यूब्यूल्स, और ये कैसे बनती है, दे आर फॉर्म्ड फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ वास डेफरेंस, ठीक है, ऊपर से क्या आ रही थी, वास डेफरेंस, और साइड में क्या आएगी, सेमाइनल वेसिकल वाली डक्ट, ठीक है, बाय यूनियन ऑफ वास डेफरेंस एंड डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल। इतनी बात क्लियर है, चलो इजेक्यूलेटरी डक्ट के बारे में लिख दिया, अब यूरिथ्रा के बारे में भी लिख देते हैं, ठीक है बेटा। तो यूरिथ्रा मैंने क्या कहा था, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर द यूरिन एंड द सीमन, सिंपल सी बात है, ठीक है। यूरिथ्रा क्या है, इट इज द कॉमन पैसेज, अ कॉमन पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ, कॉमन पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ यूरिन एंड सीमेन। सीमेन आ गया ना समझ, सीमेन का मतलब होता है स्पर्म्स तो है ही है, उसके अलावा जो हमने एसेसरी डक्ट कर रहे हैं हम, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और कॉपर्स ग्लैंड, उसकी सिक्रीशन, वो सब मिलकर क्या बना देती हैं, सीमेन, सीमेन बना देती हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है ना बेटा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और अगर अब इस यूरिथ्रा की बात करें तो यूरिथ्रा जो है बेटा मेल्स के अंदर जो है काफी लॉन्ग होती है एज कंपेयर टू द फीमेल्स, ठीक है। तो एक पॉइंट और लिख दो, यूरिथ्रा जो है इट इज लॉन्गर इन मेल्स, कितनी होती है, अराउंड 20 सेंटीमीटर होती है, लॉन्गर इन मेल्स एज कंपेयर टू फीमेल्स, कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मेल्स के अंदर लॉन्गर होती है कितनी बेटा, 20 सेंटीमीटर, फीमेल्स के अंदर छोटी होती है कितनी, 4 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और ये जो यूरिथ्रा है इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग को मैंने क्या बताया था, यूरिथ्रल मिएटस, देखो जो नीचे की ओपनिंग है, अब यूरिथ्रा है जो इतना कुछ लेकर आ रही है वो बाहर भी तो जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, ओपनिंग के थ्रू, उस ओपनिंग को क्या कहेंगे, यूरिथ्रल मिएटस। तो इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग जो है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मिएटस, या आप कह सकते हो बेटा यूरोजेनाइटल
यूरोजेनाइटल ओपनिंग, यूरोजेनाइटल ओपनिंग। क्लियर है इतनी बात? चलो आई होप सबको ये क्लियर है। यही चीज बेटा एक बार हम एनसीईआरटी में देख लेते हैं ताकि हम साथ साथ में हमारा कवर हो जाए। देखो सबसे पहले ये क्या है, किसके बारे में बताया हुआ है? ये बताया हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। हमने किया था कि हर एक लोब्यूल के अंदर 1 to 2 हाईली क्वाइल्ड, क्या है, हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, जो कि क्या करती हैं, काम क्या है इनका, दे प्रोड्यूस द स्पर्म्स। ठीक है, ईच हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास दो टाइप के सेल हैं। वन इज मेल जर्म सेल्स, जिनको स्पर्मेटोगोनिया या गोनियम कहेंगे, एंड सर्टोली सेल्स। ठीक है, मेल जर्म सेल्स जो है उसके अंदर होती है बेटा मियोटिक डिवीजन। ठीक है, फाइनली इस मियोटिक डिवीजन से क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन। लेकिन जो सर्टोली सेल हैं दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन किसको, इन जर्म सेल्स को। ठीक है, अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अराउंड जो रीजन था जिसे हमने क्या बोला था, इंटरस्टिशियल टिश्यू या स्पेस। ठीक है, द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। याद आ रहा है, रुको दिखाते हैं फिर से आपको। ये मैंने बताया था इंटरस्टिशियल स्पेस है जहां पर इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ठीक है, यहां पर क्या प्रेजेंट है, लेडिक सेल्स या जिसे कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। लेडिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, टेस्टिक्यूलर हॉर्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। मैंने आपको बता दिया एंड्रोजन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। उसके अलावा यहां पर प्रेजेंट है इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। क्लियर बेटा, हमने सब कुछ कर लिया है। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, फिर देखो द मेल सेक्स असेसरी डक्ट। असेसरी डक्ट में क्या क्या था, रेटे टेस्टिस, हमें याद आ रहा है कहाँ थी रेटे टेस्टिस, फिर थी वासा एफ्रेंशिया और फिर थी एपिडेमिस और वासा वास डेफरेंस थी। ठीक है, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं दे अल्टीमेटली ओपन इन टू द वासा एफ्रेंशिया थ्रू रेटे टेस्टिस। लाइन को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दिया, मीनिंग वही है। क्या कहना चाह रहे हैं कि पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, फिर रेटे टेस्टिस है, फिर वासा एफ्रेंशिया है। STRTVE, समझ आई? ठीक है, लाइन से कंफ्यूज नहीं हो जाना। ओपन इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस दे ओपन इनटू वासा एफ्रेंशिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू वासा एफ्रेंशिया थ्रू रेटे टेस्टिस। मतलब पहले यहाँ जाएगी फिर यहाँ आएगी, भाई सिंपल सी बात है। ठीक है, द वासा एफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया जो है टेस्टिस से निकल जाती है। याद आ रही है, हमने टेस्टिस से उसको ऐसे बाहर कर दिया था। वासा एफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस। पॉइंट याद रखना है, आप डायग्राम देखना, हमने उसको लीव करवा दिया था वहां से और ओपन करवाया था एपिडिडाइमिस में। और जो ये एपिडिडाइमिस है इट इज लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। देखो हम तो टेस्टिस को आगे की तरफ बनाते हैं ऐसा कि हमें एपिडाइमिस दिख जाए, वैसे नॉर्मली जो है, मान लो ये टेस्टिस है तो उसके पीछे की साइड जो है एपिडाइमिस प्रेजेंट है बेटा। ठीक है, द एपिडाइमिस जो है देन इट दिस एपिडाइमिस लीड्स टू द वास डेफरेंस दैट असेंड्स, ऊपर की तरफ जाती है, दैट असेंड्स टू द एब्डोमन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, वास डेफरेंस जो है ऊपर की तरफ जाती है एब्डोमन में एंड देन इट लूप्स अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर, then it receives a duct from the seminal vesicles and open into the urethra as ejaculatory duct. clear? अब इन ducts का काम क्या होते हैं, ये ducts जो होती हैं ये sperm को transport करती हैं और साथ में क्या करती हैं, store भी करके रखती है। जैसे कि epididymis की बात करें तो ये around 24 to 48 hours तक जो है बेटा sperm को, 72 भी कर लेती है, उनको क्या करके रखती है, स्टोर करके रखती है। ठीक है, तो दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरिथ्रा। द यूरिथ्रा ओरिजिनेट, यूरिथ्रा ओरिजिनेट कहाँ से होती है, दिख रहा था ना डायग्राम में, कहाँ से बनता था यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर से बनता था। सो यूरिथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू द एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरिथ्रल मिएटस। क्लियर है इतनी बात?
अब ये डायग्राम जो है हमने जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल का टीएस बनाया था बेटा, ये वो ही है, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा आपको आएगा नहीं, जो आपको ये रेड वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये ठीक है, ये है वो इंटरस्टीशियल स्पेस, ठीक है। यहाँ पर बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटरस्टीशियल सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये देखो क्या लिख रखा है, स्पर्मेटोगोनिया, अंदर की तरफ जो ये सेल्स हैं दीज आर स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस जब करेंगे तब आपको दिखेगा इन स्पर्मेटोगोनिया मतलब कि मेल जर्म सेल्स, इनसे क्या बन जाते हैं, यहाँ पर स्पर्म बन जाते हैं। और बीच बीच में प्रेजेंट क्या है, सर्टोली सेल्स, क्या प्रेजेंट है, सर्टोली सेल्स, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं किसको, इन मेल जर्म सेल्स दैट इज स्पर्मेटोगोनिया को। ऑल क्लियर, ये हमने अभी किया नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ में एक लाइन और लिख सकते हैं बेटा हम, इजैक्यूलेटरी डक्ट्स जो होती हैं दे ओपन्स इनटू यूरिथ्रा। इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है दे ओपन इनटू यूरिथ्रा, दो शॉर्ट ट्यूब्यूल हैं, ये हम सब कर चुके हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मींस ये जो पेनिस है ये क्या है, दिस इज पेनिस, ठीक है। ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज पेनिस है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए वो लिखते हैं, फिर उसके बाद हम ये जो इंडिविजुअल ग्लैंड्स हैं उनकी बात करेंगे, उनकी सिक्रीशन लिखेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेनिस की। एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज पेनिस, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको हम क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। अगर हम पेनिस की बात करें तो ये कुछ स्पेशल टाइप का इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। इरेक्टाइल, स्पेशलाइज्ड इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर जो टिश्यू है, मैं आपको डायग्राम बताऊंगी कौन सा टिश्यू है, वहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो वो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, दे जस्ट फिल्ड विद द ब्लड, ठीक है। नॉर्मली ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या होता है, जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड का फ्लो हो जाता है। जैसे जैसे ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है तो जो पेनिस होती है उसके अंदर होती है इरेक्शन, ठीक है। इरेक्शन का मतलब क्या होता है, इरेक्शन का मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ पेनिस, ठीक है। इरेक्शन का मतलब क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ पेनिस। सो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होगा, जो ये पेनिस है इसके अंदर जो टिश्यू है वहां बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स है, उनके अंदर जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही ब्लड फ्लो ज्यादा होता है तो वो क्या होती हैं, इरेक्ट हो जाती है, मतलब कि वो हार्ड हो जाती है। और ये इरेक्शन अब ज़रूरी किस लिए, ये इरेक्शन ज़रूरी है फॉर इंसेमिनेशन, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो इंसेमिनेशन करना है, मींस जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है वहाँ पर क्या है, स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंसेमिनेट करना पड़ेगा। इस इंसेमिनेशन के लिए क्या ज़रूरी है, जो पेनिस है उसका हार्ड होना या यूँ कह लो उसका इरेक्टाइल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, यही चीज़ हमारी बुक के अंदर लिखी हुई है, वो हम लिख देते हैं क्या, कि इट इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड इरेक्टाइल टिश्यू। पेनिस जो है, लिखो बेटा इसमें, मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड इरेक्टाइल टिश्यू, इसकी बनी है स्पेशलाइज्ड इरेक्टाइल टिश्यू की बनी है, जो कि किसमें हेल्प करती है, विच हेल्प्स इन द इरेक्शन ऑफ पेनिस। हेल्प्स इन द इरेक्शन ऑफ पेनिस, और जब इरेक्शन होगी तभी क्या हो सकती है, इनसेमिनेशन हो सकती है, मींस ट्रांसफर ऑफ सीमेन, और यू कैन से ट्रांसफर ऑफ स्पर्म हो सकता है, ठीक है। सो क्या हुआ, इट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ पेनिस, विच आपकी बुक में लिखा हुआ है फैसिलिटेट, ठीक है बेटा। क्या लिखा मैम ने,
मेड अप ऑफ स्पेशलाइज इरेक्टाइल टिश्यू, हमें आ गया समझ, ये स्पेशलाइज इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब है इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल होती है, अभी हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, इनके अंदर ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ब्लड वेसल आर एंगोर्ज्ड विद फ्लो ब्लड, एंगोर्ज्ड मतलब कि जो ब्लड वेसलों में बहुत ज़्यादा ब्लड आ जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, पेनिस की इरेक्शन हो जाती है, इरेक्शन में लिख लो, आधे बच्चे यही कमेंट करेंगे मैम ये क्या होता है, हार्डनिंग, हार्डनिंग ऑफ पेनिस, ठीक है। जिस ये होती क्यों है, टू हेल्प इन द इंसेमिनेशन, मीन्स टू फैसिलिटेट, मीन्स हेल्प करना किस में, इंसेमिनेशन। और इंसेमिनेशन क्या था, ट्रांसफरिंग प्रोसीजर है स्पर्म्स का टू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ऑल क्लियर, ऑल सेट, ठीक है। चलो इतनी बात हो गई थी, एक चीज और लिख दो यहां पर बेटा, कि जो एंड ऑफ पेनिस है, जो मैंने आपको बताया था जो एंड है पेनिस का, वो हल्का सा क्या होता है बेटा, एनलार्ज्ड होता है। एंड ऑफ पेनिस जो है वो कैसा होता है, एंड ऑफ पेनिस इज एनलार्ज्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लैंड्स पेनिस। और ये ग्लैंड्स पेनिस जो है, इट इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन, कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसे कहा जाता है फोर स्किन। ठीक है, किससे कवर है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर है बेटा, जिसे कहा जाता है फोर स्किन। बेसिकली जब यूरिन पास आउट करना हो, क्या होता है, जो यूरिथ्रल मेटस होता है, जो नीचे की ओपनिंग होती है, हल्का सा उसको ऐसे कवर कर लेता है, ठीक है। तो जब यूरिन पास आउट करना होता है, तो ये फोर स्किन जो है हल्की सी ऊपर आ जाती है। इवन ड्यूरिंग इनसेमिनेशन जो है, तब भी फोर स्किन जो है, क्योंकि लूज फोल्ड है, तो ये मूव करके थोड़ा सा हल्का सा ऊपर आ जाती है। क्लियर है इतनी बात, आई होप सबको क्लियर होगी इतनी बात, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का आई होप सबको क्लियर है बेटा। इसके बाद हम ये जो पेनिस है, इसका हम ट्रांसवर सेक्शन देख लेते हैं, जो मैं आपको कह रही थी कि इसका हम देखते हैं कौन सा स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। तो हम लिख देते हैं टीएस ऑफ पेनिस, दैट इज ट्रांसवर सेक्शन ऑफ पेनिस। जब हम पेनिस का ट्रांसवर सेक्शन देखते हैं, तो हमें दिखता है क्या, कुछ इस टाइप से बना लो। देखो बेटा एक बार देखो इधर, ये जो पेनिस है, इसको ऐसे अगर कट करके बीच में से इसका ट्रांसवर सेक्शन देखें और माइक्रोस्कोप में देखें, तो यहाँ पर आपको सब जो है ये जो इरेक्टाइल स्पेशलाइज्ड टिश्यू है वो दिखाई देंगे। कैसे, एक चीज और, इस वाली साइड को हम लिख देते हैं दिस इज द डोर्सल साइड, ठीक है, और ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, वेंट्रल साइड, ठीक है। ऊपर वाली साइड कौन सी है बेटा, दिस ऊपर वाली हो जाएगी डोर्सल, और नीचे कौन सी हो जाएगी, वेंट्रल। अब यहां पर हमने दो स्पेशलाइज टाइप के टिश्यू बनाए हैं, और इन टिश्यूज के अंदर क्या होती हैं, बहुत ज्यादा जो है ब्लड वेसल्स होती हैं। कनेक्टिव टिश्यू तो होगा ही बीच बीच में, बट जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो अब इनकी नेमिंग करते हैं। जो हमने ऊपर वाली ये बनाई है, जो ऊपर वाला ये जो है, इस टिश्यू को हम कहते हैं बेटा कॉर्पोरा कैवर्नोसा,
हम कहते हैं बेटा कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और जो ये नीचे बनाया है इसे हम कहते हैं कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ठीक है, ऊपर वाला क्या है, ये दोनों ही, ये भी ठीक है, ये क्या है बेटा कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और जो नीचे है इट इज कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। अगर आप बीच में देखोगे तो यहां पे मैंने एक और सर्कल बना दिया, ये क्या बता रहा है आपको, दिस इज यूरिथ्रा। ये क्या है, यूरिथ्रा, मतलब यहां से शो हो रहा है कि यहां पर जो पेनिस है उसके बीच में यूरिथ्रा जाती है, जो यूरिन और सीमन लेके जाएगी वही। ठीक है, तो वो यूरिथ्रल की यूरिथ्रा की ओपनिंग जो है आपको इस कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम में दिखती है। ठीक है, अब ये जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा और स्पॉन्जियोसम है ये क्या है, दे आर हाईली वेस्क्यूलर। क्या है बेटा, दे आर हाईली वेस्क्यूलर, तो आप इसमें लिख सकते हो ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स एंगोज्ड विद ब्लड कॉजेज इरेक्शन ऑफ पेनिस। ठीक है, तो देख रहे हैं आप बीच में क्या है, बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, जब ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होगा, इन ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत स्पीड से क्या आएगा, ब्लड आएगा, फुल ये ब्लड से भर जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, दे आर एंगोज्ड विद ब्लड, ब्लड से पूरे अच्छे से भर जाएंगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो पेनिस है उसकी इरेक्शन होगी, मीन्स पेनिस की हार्डनिंग होगी, और बाहर की साइड ऑफकोर्स क्या प्रेजेंट होगा, ये सारा का सारा दिस इज फाइब्रस टिश्यू। ये सब क्या है यहां पर, दिस इज इसको हम कहते हैं फाइब्रस टिश्यू। आई होप सबको क्लियर है, टीएस ऑफ पेनिस बेटा क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या है, स्पेशलाइज काइंड ऑफ क्या है, टिश्यू प्रेजेंट होता है, इरेक्टाइल टिश्यू, नाम क्या है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। अगर आप देखोगे कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो अमाउंट है उसका बहुत ज़्यादा है, तो अगर कॉर्पोरा कैवर्नोसा के की ब्लड सप्लाई को बंद कर दिया जाए, या किसी वजह से भी कॉर्पोरा कैवर्नोसा में इस वाले टिश्यू में जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो ब्लॉक हो जाए, तो जो ये पेनिस है इसकी इरेक्शन नहीं हो सकती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, चलो ठीक है, इतना हो गया बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लैंड्स के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेमाइनल वेसिकल की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सेमाइनल वेसिकल की, उसकी जो भी सिक्रीशंस होती हैं या वो ग्लैंड कैसी है की बात करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम पहले एक्सेसरी ग्लैंड्स, जिसमें फर्स्ट वन क्या है आपकी, सेमाइनल वेसिकल। फर्स्ट ग्लैंड कौन सी है बेटा, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल के बारे में आपको याद रखना है कि ये कैसी होती है, पेयर्ड ग्लैंड है, मींस एक लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, एक राइट साइड को प्रेजेंट है। सो सेमाइनल वेसिकल इज अ पेयर्ड ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल कैसी है बेटा, पेयर्ड ग्लैंड है। ठीक है, अब यहां से जो सिक्रीशंस होती हैं उनका नेचर क्या है, नेचर ऑफ सिक्रीशंस जो हैं दे आर अल्केलाइन इन नेचर, सो इट फॉर्म्स, लिख दो इसमें, इट फॉर्म्स अल्केलाइन सिक्रीशंस। ठीक है, एंड इट फॉर्म्स 60% ऑफ सीमेन। सीमेन, सीमेन जो बनता है उसका, सीमेन पता है ना बेटा, बार बार बता रही हूँ, सीमेन का मतलब होता है, आगे लिखेंगे भी, सीमेन का मतलब होता है एक ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर स्पर्म तो है ही, साथ में ये जो ग्लैंड्स है इनकी सिक्रीशंस भी प्रेजेंट है, जो ये ग्लैंड सिक्रीशन बनाती हैं वो सब भी प्रेजेंट हैं। तो जो सेमाइनल वेसिकल है उस सीमेन का, ठीक है, वो जो सिक्रीशंस है उसका 60% पार्ट जो है
कौन बना देती है? सेमाइनल वेसिकल अकेली ही बना देती है, ठीक है? इतनी बात क्लियर है। अब इनके अगर सिक्रीशंस की पीएच की बात करें, हमने कह दिया अल्केलाइन तो है, पीएच जो है मेनली बेटीज का 7.2 से 7.4 में वेरी करती है, आप 7.4 लिख लो, ठीक है? पीएच कितनी है इनकी? 7.4 है, ठीक है? अब इनके सिक्रीशन की बात करते हैं कि इनकी सिक्रीशंस में होता क्या है। सिक्रीशन की बात करें तो इसकी सिक्रीशन में प्रेजेंट होता है क्या क्या? सबसे पहले लिखते हैं बेटा, यहाँ प्रेजेंट है फ्रक्टोज, ठीक। उसके अलावा प्रेजेंट होता है प्रोस्टाग्लैंडिंस, ठीक है? फिर प्रेजेंट है कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स या क्लोटिंग प्रोटीन्स लिख दो, ठीक। एंड आइनोसिटोल, और क्या प्रेजेंट है? आइनोसिटोल प्रेजेंट है। सो सिक्रीशन सेमाइनल वेसिकल क्या क्या सिक्रीट कर रही है? फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिंस, क्लोटिंग प्रोटीन्स एंड आइनोसिटोल। इसके अलावा काफी कुछ होता है बट आपको ये याद रखने हैं। फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो फ्रक्टोज जो है दे प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म्स। फ्रक्टोज का काम क्या होता है? फ्रक्टोज आपको पता ही है, शुगर है। तो फ्रक्टोज क्या करती है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द स्पर्म्स, ठीक है? तो इस पॉइंट को हम लिख देंगे, दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म्स। फ्रक्टोज इज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्म्स। एक बात आपको एक फैक्ट बताती हूं कि बेटा देखो, फ्रक्टोज जो है वो मेल का जो सीमेन है, ये जो सिक्रीशंस है उसमें ही फ्रक्टोज प्रेजेंट होती है। फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, वेजाइना में कह लो, कहीं पर भी कह लो, वहां पर नॉर्मली फ्रक्टोज नहीं होती है। फीमेल के पास फ्रक्टोज नहीं होती उसके वेजाइनल ट्रैक्ट में, सिर्फ मेल के सीमेन में ही फ्रक्टोज प्रेजेंट है। तो जब कोई किसी का रेप केस होता है, ठीक है, रेप केस के लिए जब किसी भी जो वुमेन है उसका मेडिकल होता है तो ऑफकोर्स वो हॉस्पिटल जाते हैं, तो हॉस्पिटल के अंदर जो फर्स्ट चीज देखी जाती है कि वुमेन का रेप हुआ है या नहीं। तो वो जो अगर मतलब यूं मान लो इंसिडेंस अभी का ही है, कुछ टाइम पहले का, और अगर वुमेन चली गई हॉस्पिटल में कह रही है कि शी हैज़ बीन रेप्ड, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे? जो उसका वेजाइनल सिक्रीशंस होती हैं उसके टेस्टिंग करते हैं। अगर उस वेजाइनल सिक्रीशन में, वुमेन की वेजाइनल सिक्रीशन में फ्रक्टोज मिल जाता है, फ्रक्टोज मिल जाता है, तो ये कन्फर्म हो जाता है कि हाँ उसका रेप हुआ है या जो भी है उसके साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स हुआ है। तो आपको याद रखना है, फीमेल की वेजाइनल सिक्रीशंस के अंदर फ्रक्टोज नहीं होता है, या किसमें होता है? सिर्फ मेल में होता है। याद रखोगे बेटा, क्लियर है? एक मिनट मैं पानी पी लेती हूँ। अब नेक्स्ट है बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन की अगर हम बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है? इट एक्टिवेट्स द स्पर्म्स। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है बेटा, इट एक्टिवेट्स द स्पर्म। एक तो स्पर्म को एक्टिवेट करते हैं, उसके अलावा इसका काम क्या होता है? जब ये सीमेन, देखो सिंपल सी एक बात समझो कि जैसे स्पर्म्स जो हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में डिपॉजिट कर दिए थ्रू इंसेमिनेशन, हो गए जी, ठीक है। अब उन सीमेन को देखो कितना ज़्यादा मूव कर कर जो कहाँ जाना है बेटा, फीमेल की फैलोपियन ट्यूब तक जाना होता है, ठीक है? हम बात करेंगे फीमेल का जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे तो पहले क्या आती है? यूट्रस। यूट्रस के बाद ऐसे ट्यूब्स होती हैं जिन्हें बोला जाता है फेलोपियन ट्यूब। क्या बोला जाता है? फेलोपियन ट्यूब। अब स्पर्म जो नीचे वेजाइना के अंदर डिपॉजिट किए गए थे उनको यूट्रस में जाना है, फिर यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब में जाना है, तो भाई कैसे करोगे इतना लंबा रास्ता कवर, ठीक है? तो उसके लिए क्या होता है, जैसे ही सीमेन के अंदर क्या होते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन। वो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? जो यूट्रस होता है उसकी हल्की हल्की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और आपको पता है कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वैसे पुश करेगी किसी भी चीज को, कॉन्ट्रैक्ट हुई तो वो सीमेन जो है, वो स्पर्म जो है, वो आगे की तरफ
पुश हो जाते हैं, ठीक है, आगे की तरफ चले जाते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का हम क्या लिख सकते हैं, दे कॉन्ट्रैक्ट द यूटराइन वॉल टू फैसिलिटेट द पाथवे ऑफ द स्पर्म, स्पर्म को आगे मूव करने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, स्पर्म्स को आगे मूव करने के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दे कॉज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटराइन वॉल। Cause the contraction of uterine wall to thus या फिर you get to help the sperm to move into the fallopian tube, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, क्या करते हैं बेटा, देख करते हैं, they are contraction of the uterine wall to help the sperm to move towards fallopian tube, ठीक है। यूट्राइन वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं ताकि जो स्पर्म्स हैं वो मूव कर जाए कहां पर, फेलोपियन ट्यूब की तरफ। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। आपने सुना होगा, आप नहीं सुना तो आप सुन लो, ठीक है, कि जैसे आपका ब्लड जो है वो क्लॉट कर जाता है, बाहर बॉडी से ब्लड बाहर आता है तो वो जम जाता है, ऐसे ही जो सीमेन है वो भी जम जाता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, जम जाता है। मीन्स वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लॉटिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, या यूँ कह लो कि क्लॉटिंग कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प द सीमेन टू कोएगुलेट, ठीक है। क्या लिख सकते हो, हेल्प दी सीमेन टू कोएगुलेट। ये क्या करते हैं, दे हेल्प द सीमेन टू कोएगुलेट। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो सेमाइनल वेसिकल जो है वो क्या होती है, पेयर्ड ग्लैंड होती है, एक राइट होती है एक लेफ्ट होती है, ठीक है। कैसी सिक्रीशन बनाती है, अल्केलाइन सिक्रीशन बनाती है। पीएच कितना है, 7.5 है। इसकी सिक्रीशंस के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा, प्रोस्टाग्लैंडिंस मिलेगा, क्लॉटिंग प्रोटीन्स मिलते हैं और साथ में आइनोसिटोल भी मिलता है। फ्रक्टोज का काम होते हैं, दे आर द एनर्जी सोर्स फॉर द स्पर्म। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या काम है, स्पर्म्स को एक तो एक्टिवेट करते हैं, साथ में यूट्राइन वॉल जो है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक जो है, बेसिकली उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं ताकि स्पर्म जो है दे कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। फिर जो क्लॉटिंग प्रोटीन होते हैं, दे हेल्प टू कोएगुलेट द सीमेन, ठीक है। आई होप सबको इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो अपनी ग्लैंड आएगी, सेमिनल वेसिकल हो गई, फिर आएगी बेटा हमारी नेक्स्ट वन इज द प्रोस्टेट ग्लैंड, सेकंड नंबर पे है। देखो जैसे हमने सेमाइनल वेसिकल का बोला था कि वो पेयर्ड ग्लैंड है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है बेटा, इट इज अ सिंगल ग्लैंड। ये याद रखनी है आपको, जब आप डायग्राम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई एक तो यूरिथ्रा की इस साइड है, एक यूरिथ्रा की इस साइड, लेकिन ऐसे नहीं होती, वो पूरी एक ही ग्लैंड है, वो हमने सिर्फ सेक्शन लिया है तो हमें ऐसा लगता है। बट प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ सिंगल ग्लैंड और इसकी जो शेप होती है, इट इज ऑफ डोनट शेप। डोनट पता है, सबने खाया होगा, ठीक है। इसकी शेप कैसी होती है बेटा, डोनट, या आप कह लेते हो चेस्टनट, ठीक है। शेप कैसी होती है, डोनट, ठीक है। इसके जो सिक्रीशंस हैं, दे डायरेक्टली गोज इनटू द पोर सिक्रीशन इनटू यूरिथ्रा। ये कहां पर अपनी सिक्रीशन डाल देती हैं, यूरिथ्रा के अंदर डायरेक्ट जो है अपनी सिक्रीशंस को पोर कर देती हैं। अब अगर इसकी सिक्रीशन की बात करें हम, तो सिक्रीशन इसकी होती है मिल्की, जैसा मिल्क होता है ना हल्का सा, ऐसा ऐसा वैसा कुछ कुछ मिल्की, और पीएच जो रहता है वो होता है इसका 6.5, ठीक है। एक तो सिक्रीशंस कैसी हैं, मिल्की हैं, और पीएच कितना है, पीएच है इसका बेटा 6.5। अब जैसे मैंने सेमाइनल वेसिकल में बताया था कि सेमाइनल वेसिकल्स जो हैं
उनकी सिक्रीशन 60% ऑफ सीमेन को बना देती हैं, वैसे ही इसकी सिक्रीशन जो है दे फॉर्म्स 30% ऑफ सीमेन। सीमेन का जो 30% है वो कौन बनाती है? प्रोस्टेट ग्लैंड बनाती है। कौन बनाती है बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड बनाती है। और इसके सिक्रीशन में अब क्या क्या चीज प्रेजेंट है? सिक्रीशन में प्रेजेंट होता है क्या? सिट्रिक एसिड होगा, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, कुछ लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और साथ में प्रेजेंट होता है बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। तो इसके सिक्रीशन में क्या क्या प्रेजेंट है बेटा? सिट्रिक एसिड, कैल्शियम, लिपिड्स, एंजाइम्स, बाइकार्बोनेट आयन, ये सब प्रेजेंट है। और जब हम बाद में जब हम करेंगे फर्टिलाइजेशन तो मैं आपको बताऊंगी कैल्शियम का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है। कैल्शियम का जो रोल है इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो कैल्शियम कहाँ से आ रहा है? इस प्रोस्टेट ग्लैंड से आता है। एक बार ये बात ध्यान रखना अभी के लिए, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलो अब ये जो सिक्रीशंस हैं, जैसे हमने कहा था, जैसे हमने उसकी बात की, जैसे उसमें फ्रक्टोज था, वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ये सब कुछ, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सिक्रीशन है वो बेसिकली दे नरिश द स्पर्म्स। ये क्या करते हैं? स्पर्म्स जो हैं उनको क्या करते हैं बेटा? नरिश करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट कैसे करते हैं अभी बताती हूँ। पहले इसका लिख लो कि इसका फंक्शन क्या है। दे नरिश एंड प्रोटेक्ट द स्पर्म्स। नरिश एंड प्रोटेक्ट द स्पर्म्स। नरिश तो आपको पता चली गया, उसको खाना वाना देते हैं, सब एनर्जी उनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। अब प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? देखो हमने यहाँ पे अभी भी जितना भी पीएच की बात करी, हम पहले कह रहे थे 7.5 है, यहाँ कह रहे हैं 6.5 है, स्लाइटली ये भी अल्केलाइन टाइप में ही आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? जो स्पर्म्स है वो इसी पीएच पे, अल्कलाइन पीएच पे ही एक्टिव रहता है। बट जब आप फीमेल का जेनाइटल ट्रैक्ट देखते हो, फीमेल का वेजाइनल फ्लूइड देखते हो, तो वो होता है बेटा एसिडिक। तो वहाँ वो क्या होता है? एसिडिक होता है। अब उस एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर जब ये स्पर्म जाएंगे, ये तो काम ही नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशंस होती हैं, ये उस स्पर्म को वहाँ पर एक्टिवेट रहने में हेल्प करता है। या यूं कह लो कि जब सीमेन जो है फीमेल के वेजाइना में जाता है, तब उस टाइम पर जो फीमेल का एसिडिक एनवायरनमेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि ये जो स्पर्म्स हैं ये एक्टिव रहें, ये अपना काम कर सकें। क्लियर है इतनी बात? क्लियर, ऑल सबको क्लियर है बेटा ये बात, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो? दे न्यूट्रलाइज द, बेसिकली प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? दे न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। दे न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है वहां की जो एसिडिटी है उसको एक बार के लिए न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ताकि जो ये स्पर्म्स इंसेमिनेट किए हैं, ट्रांसफर किए हैं, ये आराम से वहां पर एक्टिव रहें, मोटाइल रहें, मतलब कि चलते रहें और ऊपर चले जाएं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशंस कैसी है? मिल्की है। पीएच कितना है? 6.5। क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? सिट्रिक एसिड है, कैल्शियम है, लिपिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, बाइकार्बोनेट आयंस है। क्वेश्चन आ जाता है कि फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है इट नरिश एंड प्रोटेक्ट द स्पर्म्स। नरिश एंड प्रोटेक्ट द स्पर्म। हाउ इट प्रोटेक्ट द स्पर्म्स? इट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। याद रहेगा इतनी बात, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है बेटा, बहुत ही इजी है, ठीक। उसके अलावा अब हमारी कौन सी रह गई? एक छोटी सी ग्लैंड रह गई, दैट इज
पल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या जिसे हम क्या कह देते हैं, कॉपर्स ग्लैंड। या जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, कॉपर्स ग्लैंड। अब आपको याद रखना है कि बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस। क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस सिक्रीट करते हैं। अब इस म्यूकस का काम क्या है? देखो, हमने क्या बोला था, तो जो पेनिस है उसके अराउंड कैसी है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन है, जिसे कहा जाता है फोर स्किन, और इस फोर स्किन को मूव करना होता है, ड्यूरिंग यूरिनेशन भी मूव करना पड़ता है, ड्यूरिंग इनसेमिनेशन, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स भी उसको हल्का सा मूव करना पड़ता है। तो इस मूवमेंट को ईजी करवाने के लिए, उसको ल्यूब्रिकेट करने के लिए क्या रिलीज की जाती है? म्यूकस। और कौन रिलीज करता है? बल्बो यूरिथ्रल, या यू कैन से कॉपर्स ग्लैंड रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है बेटा? कॉपर्स ग्लैंड। अब इसकी बात करें तो ये कैसी थी? छोटी छोटी थी, स्मॉल बट पेयर्ड। ये कैसी हैं? पेयर्ड ग्लैंड्स हैं, याद रखेंगे हम। सेमिनल वेसिकल भी पेयर्ड थी, ये कॉपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी पेयर्ड हैं बेटा। बट जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कैसी है? इट इज अ सिंगल ग्लैंड। कैसी ग्लैंड है? सिंगल, याद रखना ये बात, ठीक है? ओके, ठीक है। काम क्या है? म्यूकस सिक्रीशन विच हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेम ही आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, हम देख लेंगे, ठीक है? तो ये सब कुछ हो गया आपकी ग्लैंड्स। अब इन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस जो हैं ये सब मिलकर क्या बनाती हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। क्या बनाती हैं बेटा? सेमाइनल प्लाज्मा, सीमेन का ही पार्ट है सेमाइनल प्लाज्मा। अभी हम लिखेंगे सीमेन, तब मैं बता दूंगी, बट अभी आप एक लाइन लिख सकते हैं कि जो इन सब ग्लैंड्स की सिक्रीशंस हैं दे फॉर्म द सेमाइनल प्लाज्मा। मेरा नोट्स बना रहे हो ना, तभी मैं बोर्ड से हट जाती हूँ ताकि आप नोट्स बना लो अच्छे से, बाद में कहो मैम आगे आ रही है बार बार, ठीक है? तो क्या लिख सकते हैं हम? सिक्रीशंस ऑफ दीज ग्लैंड्स फॉर्म्स सेमाइनल प्लाज्मा। इन ग्लैंड्स की सिक्रीशन जो हैं वो क्या बना देती हैं? सेमाइनल प्लाज्मा बनाती हैं। क्या बनाती है बेटा? सेमाइनल प्लाज्मा बनाती है। आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं सीमेन की, जो इतनी देर से हम सीमेन सीमेन बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बेटा सीमेन की, तो इसको आपको एक तो याद रखना है, सीमेन जो है इसका पीएच जो होता है इट इज़ अराउंड 7.35 टू 7.5 कह सकते हो आप, मतलब कि अल्केलाइन है, सिंपल सी बात है। सीमेन किससे बना होता है? स्पर्म से और सेमाइनल प्लाज्मा। स्पर्म तो आपको पता है कौन बना रहा था, टेस्टिस बना रही थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना रही थी, और जो सेमाइनल प्लाज्मा है उसको किसने बनाया है? सेमाइनल प्लाज्मा इज फॉर्म बाय द ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रा, और यू कैन से कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है? इन सब की ग्लैंड्स की सिक्रीशन मिलकर क्या बनाती हैं? सेमाइनल प्लाज्मा बनाती हैं। इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है? इन सब की सिक्रीशंस को मिलकर क्या बनाती हैं? सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है? तो पहले तो आप इसका लिख देंगे पीएच। इसका पीएच कितना है बेटा? 7.35 से लेकर होता है 7.5 ही होता है आई थिंक, ठीक है? तो ये कैसी हो जाती है? अल्केलाइन। सीमेन कैसा होता है? अल्केलाइन इन नेचर होता है। किसका बना है? स्पर्म का बना है और सेमाइनल प्लाज्मा का बना है, स्पर्म का और सेमाइनल प्लाज्मा। तो इसकी कॉम्पोजिशन लिख दो,
समझना है कॉम्पोजिशन में बेटा क्या है, स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा इज इक्वल टू सीमेन, जिसमें सेमाइनल प्लाज्मा 90% वही है, ठीक है। स्पर्म्स कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 10%। स्पर्म्स कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 10%, याद रखोगे ना ये बात, ठीक है। ठीक है, अब सीमेन जो है बेसिकली इट इज इजेक्टेड या इट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग इजेक्यूलेशन, ठीक है। इजेक्यूलेशन का मतलब, एक बच्चे ने शायद कमेंट किया हुआ था मैम इजेक्यूलेशन क्या होता है, तो बेटा इजेक्यूलेशन होता है रिलीज ऑफ स्पर्म्स और यू कैन से रिलीज ऑफ सीमेन, सीमेन का रिलीज करना इज इजेक्यूलेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे फीमेल की जेनाइटल ट्रैक के अंदर जो सीमेन रिलीज किया जाता है दैट इज इजेक्यूलेशन, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, इजेक्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। सो आप क्या लिख सकते हो, सीमेन इज इजेक्टेड, ये जो सीमेन है इजेक्टेड मीन्स रिलीज्ड, सीमेन इज इजेक्टेड ड्यूरिंग इजेक्यूलेशन, सीमेन जो है इजेक्टेड या फिर रिलीज किया जाता है ड्यूरिंग इजेक्यूलेशन, ठीक है। फ्रॉम पेनिस, पेनिस से रिलीज किया जाएगा, सिंपल सी बात है, फ्रॉम पेनिस, ठीक है। अब अगर हम एक इजेक्यूलेशन मतलब एक बार जब जितने स्पर्म रिलीज होते हैं उस एक इजेक्यूलेशन की बात करें बेटा, तो उस एक इजेक्यूलेशन में 2 to 6 ml ऑफ सीमेन रिलीज होता है, ठीक है। क्या लिखोगे आप, इन वन इजेक्यूलेशन एक इजेक्यूलेशन में 2 to 6 ml ऑफ सीमेन रिलीज होता है, ठीक है। और इस 2 to 6 ml ऑफ सीमेन के अंदर जो है कितने स्पर्म्स होते हैं, अराउंड 200 to 300 million स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक इजेक्यूलेशन का मतलब है टोटल जो सीमेन रिलीज हुआ है वो कितना है, 2 to 6 ml। अब इस 2 to 6 ml सीमेन के अंदर स्पर्म कितना होता है, वो है बेटा 200 to 300 million स्पर्म। सोच रहे हो तुम कितने हैं, मिलियंस, ठीक है। 200 to 300 million स्पर्म्स आर रिलीज और इजेक्टेड इन वन इजेक्यूलेशन, एक इजेक्यूलेशन में इतने स्पर्म्स रिलीज होते हैं। और जो ये स्पर्म्स रिलीज हुए हैं इसमें से किसी भी इंसान को, किसी भी मेल को फर्टाइल हम कब कहेंगे, कि ये जो स्पर्म्स रिलीज कर रहा है इसमें से कम 60% स्पर्म्स जो हैं उनकी शेप और साइज जो हैं वो नॉर्मल हो, ठीक है। क्या हो, 60% जो स्पर्म्स हैं इस 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स में से 60% जो स्पर्म्स हैं वो बिल्कुल सही बने होने चाहिए, ठीक है। मतलब उनकी साइज और शेप जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। और उस 60% में से भी 40% ऐसे स्पर्म्स होने चाहिए जिनके पास रिग्रस मोटिलिटी हो, रिग्रस मोटिलिटी, रिग्रस मतलब बहुत ज़्यादा, मोटिलिटी मतलब स्विम करने की ताकत, ठीक है, क्लियर है। वो स्विम कर पाएंगे तभी तो मदर जो फीमेल है उसके फेलोपियन ट्यूब में पहुँच पाएंगे, क्लियर है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें से 200 से 300 मिलियन स्पर्म में हम क्या लिख सकते हैं, 60% जो है नॉर्मल शेप एंड साइज, ठीक है। अब इस 60 में से भी 40% के पास जो है क्या होनी चाहिए, रिग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, तभी हम उस सीमेन को या उस मैन जो है उसको क्या बोलेंगे कि फर्टाइल है, मीन्स उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो ओवा जो है, फीमेल के अंदर जो ओवम जो एग बनेगा उसको फर्टिलाइज कर सकता है, तब उस इंसान को हम क्या बोलेंगे कि ही इज फर्टाइल, ठीक है, क्लियर है, इतनी बात क्लियर बेटा।
ऑल क्लियर ऑल सेट। तो हमने सीमेन के बारे में पढ़ लिया, उसकी पीएच पढ़ ली, उसकी कॉम्पोजिशन पढ़ ली है, व्हाट इज इजैक्युलेशन वो मैंने आपको बता दिया है। एक इजैक्युलेशन के अंदर इन वन इजैक्युलेशन 2 to 6 ml ऑफ सीमेन इज रिलीज, जिसमें से 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। उन स्पर्म में से 60% के पास जो है नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए। अभी जो नॉर्मल शेप और साइज वाले 60% हैं, उनमें से 40% ऐसे भी होने चाहिए जिनके पास रिग्रस बहुत बढ़िया तरीके की स्विम करने की कैपेबिलिटी हो, मोटिलिटी हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। अब इससे रिलेटेड जो है हम कुछ वो देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं वैसे तो। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स मतलब कि इंटरस्टीशियल सेल, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो इंटरस्टीशियल स्पेस बनाया था, वहां हमने कुछ इंटरस्टीशियल सेल्स की बात की थी जो क्या रिलीज करते थे, टेस्टिकुलर हार्मोन, जिन्हें बोला जाता है एंड्रोजन्स। ठीक है, चलो देखते हैं। सो दे आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में थोड़ी है ये तो कहाँ है, इंटरस्टीशियल स्पेस में है। प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस, फिर से गलत करो इसको, दे आर प्रेजेंट इन इंटरस्टीशियल स्पेस, बिल्कुल ठीक है, एंड सीक्रेट एंड्रोजन, ये भी ठीक है। तो लास्ट भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। प्रेजेंट इन इंटरस्टीशियल स्पेस एंड हेल्प्स इन मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म, नहीं मैच्यूरेशन में नहीं हेल्प करते, दे जस्ट रिलीज द टेस्टोस्टेरोन, दैट इज एंड्रोजन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सेमाइनल प्लाज्मा। सेमाइनल प्लाज्मा जो है इट इज रिच इन, सेमाइनल प्लाज्मा जो है किस चीज में रिच होता है बेटा, देखो क्या मैंने सुक्रोज का नाम लिया था, नहीं लिया। क्या मैंने ग्लूकोज का नाम लिया, नहीं लिया। क्या मैंने फ्रक्टोज का नाम लिया, बिल्कुल लिया। क्या कैल्शियम बोला, बोला। कुछ एंजाइम्स बोला, बोला। ठीक है, नीचे फिर से ये सोडियम आ जाएगा, गलत कर दो। ठीक है, तो बेटा डायरेक्ट लाइन आपके एनसीईआरटी की मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सेमाइनल प्लाज्मा इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। रुको, एनसीईआरटी की देख लेते हैं एक बार हम, ये देखो कल नीचे वाला देखो क्या लिखा हुआ है, द मेल एसेसरी ग्लैंड्स जो कि क्या इंक्लूड करती हैं, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड दे कॉन्स्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। मैंने हर एक ग्लैंड की सिक्रीशन में आपको ये चीज बता दी है। ठीक है, जो सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो होते हैं, दे हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, मीन्स ये क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस। ठीक है, उसके ऊपर देखो बेटा, ऊपर वाला पैराग्राफ जो है पेनिस को बताया है कि इट इज अ मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, किस चीज से बना है, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन द इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन। देखो हमने एक एक वर्ड एनसीईआरटी का किया है, मैं आपको बता रही हूँ, इतने डीप तरीके से आपको कोई बताने नहीं वाला, एक एक वर्ड हमने एनसीईआरटी का किया है। ठीक है, जो एंड लास्ट एंड होता है पेनिस का, जो नीचे से हल्का सा एनलार्ज होता है, उसे क्या कहते हैं, ग्लैंड्स पेनिस, विच इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन, जिसे कहते हैं फोर स्किन। ठीक है, क्लियर है, चलो हमारे ये हो गया था। ये क्वेश्चन देखो, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए व्हाट परसेंट ऑफ द स्पर्म इन इजेक्यूलेट, जो इजेक्यूलेट जो रिलीज किया गया है, दे मस्ट एग्जिबिट विग्रस मोर्टिलिटी। देखो मैंने क्या कहा था, 60% के पास क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। उस 60 में से 40% के पास क्या होनी चाहिए बेटा, विग्रस मोर्टिलिटी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 40%। क्लियर, नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। बेटा ये नीट आई थिंक 2022 में ही आया है, ये इस ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया है। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, चलो इसको छोड़ो, हम खुद देखते हैं कहां से हमारा रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले स्पर्म बनाता कौन है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है जी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में गए बेटा, उसके बाद कहां जाएंगे, अपना है ना दिमाग में वो डायग्राम याद कर लो। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, वहां से कहां जाएंगे, रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस के पास वास डेफरेंस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटेड टेस्टिस, वास डेफरेंस, वास इफ्रेंशिया। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटेड टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वहां से वास डेफरेंस, वास डेफरेंस से होते हुए, ठीक है, अल्टीमेटली
सेमाइनल वेसिकल की इजैक्यूलेटरी डक्ट वगैरह सब आ गई, अल्टीमेटली जो वो कहाँ ओपन हो जाती है, यूरिथ्रा में ओपन हो जाती है। कहाँ ओपन होती है? यूरिथ्रा में। चलो देखते हैं, सबसे पहले इन्होंने लिखा टेस्ट स्टेटिस के पास एपिडाइमस, गलत कर दो इसको, काटो इसको यहाँ पे, फिर एपिडाइमस दिख दिया, वासा फ्रेंशाबाद में है। सेमेनिफेरस ट्यूबुल, बिल्कुल ठीक है। फिर रेटे टेस्टिस जी, वासाई फ्रेंश या एपिडाइमस वास डेफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट आ गई, कहाँ ओपन होती है? यूरिथ्रा में और यूरिथ्रल मेटस से बाहर। तो बेटा ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल ही करेक्ट जा रहा है। अगर नीचे वाला देखें एक बार, देखो इनग्वाइनल कैनाल, इनग्वाइनल कैनाल कहाँ से आ गई भाई बीच में, वो नहीं होगी ना। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? क्लियर, ऑल क्लियर? ठीक है, इनग्वाइनल कैनाल नहीं होगी बेटा, इनग्वाइनल कैनाल तो ऐसे थी। आप तो ये बोलेंगे ना कि वास डेफरेंस लेकर जा रही है ऊपर, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर फिनिश। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब हमारा इसमें क्या बचा है, इसके अंदर अब हम करने वाले हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर जो आपका रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि मेल जर्म सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, ठीक है। अब हमने लेकिन प्रोसेस नहीं पढ़ी, हमने ये तो बता दिया था कि वहाँ पर मियोसिस होगी, बट वो मियोसिस कैसे होगी, कैसी कैसी शेप आएंगी, क्या प्रोसेस होगी, वो सब हम करेंगे, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल करेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस का, स्पर्म फॉर्मेशन का, और साथ में हम करेंगे स्पर्म का एक बिल्कुल अच्छा सा लेबल्ड डायग्राम, ठीक है। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बहुत प्यार से लेक्चर देखना है, प्यार से चैप्टर करना है, ठीक है, और आराम से चिल रहना है, ज़्यादा टेंशन लेनी सिलेबस की, सिलेबस की टेंशन लेने के लिए मैम है। आपका काम क्या बेटा? सिर्फ पढ़ना, तो पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।